नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल देसी कहानी स्टार पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। एक गांव में एक अनपढ़ जाट और एक पढ़ा लिखा मौलवी रहा करता था। दोनों में बहुत बड़ी शत्रुता थी। एक दूसरे को कोई भी आपस में पसंद नहीं करता था। मौलवी बहुत पढ़ा लिखा था और जाट बेचारा बिल्कुल अनपढ़ गंवार। वो अपने खेतों में हल चलाता रहता था। जब भी जाट अपने घर से निकलता खेतों में काम करने के लिए, तो उसको मौलवी के घर के सामने से ही गुजरना पड़ता था। वो मौलवी इस जाट को देख करके बड़ा ही चिढ़ता रहता और इतना चिढ़ता कि वो अखबार को अपने हाथ में लेकर के जैसे ही जाट निकलता तो मौसम की पूर्वानुमान की जानकारी उसके सामने पढ़ने लग जाता कि आंधी और तूफान के साथ में ओले भी गिरने वाले हैं। यह सोचकर वो जाट बिल्कुल घबरा जाता और बेचारा भगवान से एक ही अरदास लगाता, हे प्रभु मेरी फसल को कुछ भी नुकसान ना हो। सीधा साधा जाट बेचारा उस मौलवी की करतूतों से बिल्कुल परेशान हो गया। तो एक दिन वो अपनी फसल बेच करके नया रेडियो ले आया और उस रेडियो में मौसम विभाग का समाचार सुनकर अपने दिल को तसल्ली दे लेता। अब वो मौलवी सोचने लगा कि जाट तो बड़ा चालाक निकला, इसने तो मेरी अखबार वाली बात को भी झूठा साबित कर दिया, अब तो स्वयं रेडियो ले आया, इसी में सुन लेता है। तभी उस मौलवी ने दूसरी बात पकड़ ली। जैसे ही जाट उसके सामने से गुजरता अपने बैलों को लेकर, तो वो एक ही बात गुनगुनाता उसे देख करके कि हे खुदा तेरी खुदाई को तू ही जाने। रोजाना जैसे ही जाट वहां से जाता, मौलवी यही शब्द गुनगुनाता कि खुदा की खुदाई को खुदा ही जाने। इस बात से तंग आकर के जाट समझने लगा कि अब तो इस मुल्ले को कुछ ना कुछ उपाय अवश्य ही, कि अब तो इस मौलवी को कुछ ना कुछ जवाब देना ही पड़ेगा। एक दिन जैसे ही मौलवी ने कहा कि खुदा की खुदाई को खुदा ही जाने, तुरंत जाट ने बोल दिया कि तेरे खुदा की खुदाई को मैं भी जानता हूँ। तभी दोनों में इस बात पर शर्त लग गई। मौलवी कहने लगा कि यदि तू मेरे खुदा की खुदाई को जान जाएगा तो मैं तुझे मेरी भैंस दे दूंगा, और यदि तू नहीं जाना तो तू तेरी भैंस मुझे दे देना। दोनों में इस बात को लेकर के शर्त लग गई और वो दोनों गांव के काजी के पास में फैसला कराने के लिए चले जाते हैं। तभी उस काजी ने जाट से पूछा कि सुन भाई जाट, तू खुदा की खुदाई को कैसे समझता है? जाट कहने लगा कि तुम सभी मेरे खेत पर आकर के चलो, वहां बताऊंगा कि खुदा की खुदाई क्या है। तभी दो चार गांव के लोग और गांव का काजी और वो मुल्ला उस जाट के साथ में उसके खेत पर पहुंच जाते हैं। उसी के खेत के बगल में एक गहरी पोखर थी। जाट ने कह दिया कि ये खुदा की खुदाई है, अगर यहाँ पर पोखर नहीं होती, तेरा खुदा इस पोखर को नहीं बनवाता, तो सारे गांव के मवेशी इसमें पानी नहीं पीते, ये खुदा की खुदाई है। क्या ये खुदा की खुदाई नहीं तो इस मौलवी ने खुदवाई है? तभी काजी प्रसन्न हुआ और कहने लगा कि वास्तव में ये तो खुदा की ही खुदाई है, इसको तो इसने खुदवाया नहीं, ये ऊपर वाले की देन है। काजी ने जो फैसला था जाट के पक्ष में दे दिया। अब तो जाट ने उस मौलवी की भैंस को अपने घर पर बांध लिया। इस बात से वो मौलवी बहुत ही क्रोधित हो जाता है और अपने मन में सोचने लगता है कि अब की बार तो ये जाट मुझसे मेरी भैंस छीन कर ले गया, लेकिन इसका बदला अवश्य ही चुकूंगा। तभी दो चार दिन बाद वो दूसरी बात गुनगुनाने लगा। जैसे ही जाट उसके घर के पास से निकलता तो मौलवी कहने लगा, मेरे मन की बात मैं ही जानूं और कोई ना जाने। दो चार दिन तो उस जाट ने उस मौलवी की बातों को सुना, लेकिन वो जब भी निकलता यही बात कहने लगा कि मेरे मन की मैं ही जानूं। तभी जाट ने कह दिया कि सुन मौलवी, तेरे मन की बात को मैं भी जानूं। इसी बात पर दोनों में फिर से शर्त लग गई।
कि जो भी इस शर्त को जीतेगा वो इस गांव में से अपना घर छोड़ कर के चला जाएगा। जाट इस शर्त पर राजी हो गया और मुल्ला बड़ा प्रसन्न हुआ कि मेरे मन की बात को ये जाट कैसे जान सकता है, अब की बार तो इसका पूरा घर ही मैं हड़प लूंगा। लेकिन क्या पता ये जाट उस काजी से मिल लिया हो, अब की बार काजी हमारे फैसले को नहीं करेगा, अब की बार हमारे राज का जो बादशाह है वही इस फैसले को करेगा। दोनों राजा के पास में पहुंच जाते हैं। राजा उस समय बहुत दुखी हुआ करता था क्योंकि उसके कोई भी संतान नहीं थी। संतान को लेकर के राजा बड़ा दुखी मन से अपनी राजगद्दी पर बैठा हुआ विचार करता रहता कि काश मुझे भी कोई संतान हो जाती तो मेरे राजभार को वो संभाल लेती। अब मैं बुजुर्ग होकर के राजगद्दी को त्याग दूंगा तो इस राजगद्दी पर बैठने वाला भी कोई नहीं है। श्रोताओं, जाट और मौलवी दोनों राजा के पास में जैसे ही पहुंचते हैं तो सारी बात वो मौलवी राजा को सुना देता है कि मेरे मन की बात को ये जाट जानता है, इस बात पर हमें शर्त लगी है। यदि ये बता देगा कि मेरे मन में क्या है तो मेरा घर मैं इस जाट को दे दूंगा। मौलवी ये बात राजा को सुनाकर बड़ा प्रसन्न हुआ कि मेरे मन की बात को तो ये जाट कभी भी जान ही नहीं सकता, अब तो फैसला मेरे ही पक्ष में होगा। लेकिन जाट बड़ा ईमानदार और चतुर दिमाग वाला था, हालांकि वो पढ़ा लिखा नहीं था लेकिन दिमाग का बड़ा ही तेज था। तभी राजा ने पूछा कि सुनो जाट, क्या तुम इस मौलवी के मन की बात को जानते हो? जाट ने राजा के सामने हाथ जोड़कर कहा कि जी महाराज, मैं इसके मन की बात को जानता हूँ। ये रोजाना अपने मन ही मन में विचार करता है और सूर्य भगवान के सामने हाथ जोड़ कर के विनती करता है। ये अपने मन ही मन सोचता है कि काश हमारे राज्य के राजा के कोई संतान हो जाती तो हमारे राज्य में राज करने के लिए राजा का वंश चल जाता और राजा नापुत्री नहीं कहलाता। इसलिए ये भगवान से, इसके अल्लाह से रोजाना पांचों टाइम की नवाज अदा करके ऊपर वाले से यही प्रार्थना करता है कि हे खुदा, मेरे इस राजा को एक संतान दे देना। मैं रोजाना इसके मन की बात को भांप लेता हूँ। अब तो मौलवी मन ही मन बड़ा क्रोधित हुआ और मन ही मन उस जाट को गालियां देने लगा। लेकिन क्या था, राजा के सामने वो माना नहीं कर सकता कि मेरे मन में ये बात नहीं है। यदि राजा के सामने मौलवी मना कर दे कि मेरे मन में ऐसी बात नहीं है कि मैं राजा के लिए अच्छा सोच रहा हूँ, तो राजा मेरा सर कलम करवा देगा। वो अपने मन में सोचता है कि घर तो दूसरा बना लेंगे यदि जान बच जाएगी, लेकिन जान चली गई तो उस घर का क्या करूँगा, तो अभी तो मुझे यही बोलना चाहिए। इसलिए राजा के सामने उस मौलवी ने हाँ कर दिया कि जी महाराज, मेरे मन में यही बात थी कि आपको एक संतान हो जाए जो आपकी इस गद्दी पर बैठ जाए। राजा बड़ा प्रसन्न हुआ और उसने फैसला जाट के पक्ष में दिया कि वास्तव में ये जाट बड़ा चतुर है, ये इस मौलवी के मन की बात को समझ चुका है। तुरंत राजा ने फैसला दे दिया कि हे मौलवी, तू अपना घर इस राजा को दे दे क्योंकि तू शर्त हार चुका है। तभी वो दोनों जाट और मौलवी आकर के अपने घर पर पहुंच जाते हैं और जाट मौलवी के घर पर ताला मार देता है। तभी मौलवी अपने मन में सोचता है कि आज के बाद मैं इस जाट से कभी भी ईर्ष्या नहीं रखूंगा और कभी भी इससे शर्त नहीं लगाऊंगा। वो हाथ जोड़ करके जाट के सामने गिड़गिड़ाने लगता है। जाट को दया आ जाती है और वो उसके घर से अपना ताला हटा लेता है और कहने लगता है कि आज के बाद मेरे सामने कोई भी शर्त मत लगाना और जैसे ही मैं यहाँ से निकलूँ तो कोई भी बात मत कहना। श्रोताओं, आशा करता हूँ ये बात आपको बहुत अच्छी लगी होगी।